इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाएं जिससे आपके मोबाइल पर खबरों की नोटिफिकेशन आती रहे। फलौदी में जारी है कोरोना का कहर, 84 एक्टिव केसेज, 7 पुलिस कर्मियों सहित 17 पॉजिटिव आज फिर आए सामने। वैश्विक महामारी कोरोना शहर तो शहर, अब ग्रामीण क्षेत्र में भी अपने पैर पसारने लगा है। जी हाँ, शहरों की ही तर्ज पर फलौदी में रोजाना 15 से 20 पॉजिटिव मरीज सामने आने लगे हैं, जिसके चलते आज एक बार फिर 17 पॉजिटिव सामने आए, जिसमें 7 पुलिस कर्मी शामिल हैं। इंसिडेंट कमांडर यशपाल आहूजा ने बताया कि आज 17 पॉजिटिव में से 7 पुलिस कर्मी शामिल है, जिसमें 2 पुलिस कर्मी भोजासर थाना व 5 पुलिस कर्मी पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय फलौदी सहित एक रेलवे स्टेशन मास्टर शामिल है। गौरतलब है कि कल यानी 17 सितंबर को 29 पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जिसमें अकेले 8 पॉजिटिव किचन गांव से थे। इस तरह अब तक 357 पॉजिटिव मरीजों में से 5 की मौत होने के साथ ही 87 एक्टिव केसेज होने की पुष्टि की गई है। इंसिडेंट कमांडर यशपाल आहूजा ने फिर एक बार कोविड से बचाव को लेकर जारी गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है। पॉजिटिव आए थे, उनके स्टाफ के किन लोगों की भी सैंपलिंग करा रहे हैं, तो जो जो जैसे पॉजिटिव आ रहे हैं उनके जो भी कॉन्टैक्ट हैं उनकी सैंपलिंग हम करवाएंगे, ताकि इन्फेक्शन को बढ़ने से रोका जाए। फलौदी शहर के लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे शहर वासियों? अभी भी वही कहूँगा जो आप पहले दिन से कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, घर से बाहर अनावश्यक ना घूमें, अपने आप को सैनिटाइज करके रखें। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बचाव ही संभव है। जितना आप इससे बच के रहेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। सर 28 से सर कितने रेफर भेजोगे? कल सभी होम आइसोलेट किए हैं, आज अभी 2 लोगों का रेफर कर रहे हैं।